नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई वीए के बारे में। जी हाँ भाई, वीए सरकार बता दूं हर समय लगता है हर दो तीन महीने से कुछ अपडेट देती रहती है, अपग्रेड करती है। और अपग्रेड कौन से करती है भाई, दुबई। देखो आने वाले समय में दुबई अमेरिका के बाद में दूसरे नंबर पे आने वाला है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ हर चीज़ के मामले में। वो एक्सपर्ट हैं, 5 से 10 साल एडवांस चलते हैं। दुबई एक्सपो अभी मार्च 2022 तक चलेगा, इसमें वीए की सूरत बदलेगी। जी हाँ, और इसी को देखते हुए वीए में सभी देशों के लोग आ रहे हैं, पॉपुलेशन आ रही है, बढ़ती जा रही है। तो वीए सरकार नहीं चाहती कि कुछ गलत होने की वजह से नेगेटिव प्रभाव लोगों पे पड़े, उनकी थिंकिंग नेगेटिव और वो वीए को हेट करने लगे। उनको नहीं लगना चाहिए कि वीए इसमें कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ में, या वीए सुरक्षित नहीं है। इनको देखते हुए वर्कर भी आपको पता है बहुत सारे, यहां पे हम वर्करों से रिलेटेड बात करेंगे। बता दूं 22 फरवरी 2022 से वीए सरकार ने 3 नियम नए लागू कर दिए, उनमें आप लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला अगर आप वीए में जॉब करते हैं तो। जी हां, ये नियम कब से लागू होंगे, फरवरी 2022 यानी नेक्स्ट 3-4 महीने बाद में ये नियम लागू हो जाएंगे। जी हाँ, को बता दूं वीए की जो संसाधन मंत्रालय और अमीरात मंत्रालय ने एक नया डिग्री कानून पास किया है, और वो डिग्री कानून कैसे है जो 22 फरवरी 2022 में लागू हो जाएगा। जी हाँ, वीए के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद, उन्होंने अपने बयान में घोषणा की इस कानून से रिलेटेड। जी हाँ, सबसे पहले बात करें कानून से रिलेटेड क्या भाई, न्यायिक प्रक्रिया में जो लगने वाला चार्जेज है वो उसमें छूट मिलेगी आपको। देखिए, आप कंपनी में वर्कर हैं, आप किसी भी मैटर है, आपका कोई भी मैटर है, कोर्ट में आपका मुकदमा है, चाहे आपका मोहरे में है या फिर आपका अन्य कोई कोर्ट में मुकदमा निष्पादन करना है, कंपनी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, किसी अन्य के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसमें आपका चार्ज लगता है। जी हाँ, तो वो चार्ज आपको बिल्कुल फ्री होने वाला है 2022 में मार्च फरवरी से सिस्टम, यानी आप सब समझ सकते हैं कि मार्च से 2022 से ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। अगर आप मुकदमा कोर्ट में करते हैं किसी से रिलेटेड, तो उसमें छूट मिलेगी जो कंपनी के नियुक्ता के और वर्करों के बीच में 1 लाख दिरहम तक का होगा, उसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये दावा कर सकते हैं, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट होने वाली बात है, और कंपनी के लिए माइनस पॉइंट आएगा, उनको पता लगेगा कि भाई ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जहां पैसा नहीं लगता है वहां भीड़ बढ़ती है, स्वाभाविक सी बात है। छोटी सी प्रॉब्लम होगी कंपनी साथ, आप प्रॉब्लम करेगी कंपनी, तो आप कोर्ट में जाके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपका तो पैसा नहीं लग रहा है, कंपनी को डरना पड़ेगा, तो आपका वो समाधान तुरंत वही करने की कोशिश करेगी। जी हां, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात हो सकती है। आगे बात करें भाई कानूनी सुरक्षा। जी हाँ, देखिए दुबई सरकार ने भी ये अपने बयान में बताया है, दुबई की सोच हमेशा से रही है नो डाउट, बदमाशी करना, हत्याचार, ब्लैकमेल या धमकी देना, शारीरिक शोषण करना नियुक्ता द्वारा। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी अपने वर्करों के साथ में, नियुक्ता अपने लोगों के साथ में, नौकरों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। जी हाँ, उनको धमकाना, उनको मैं तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चोरी का केस लगा दूंगा, तो टाइम पे तनख्वाह नहीं देना, इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सीधे सीधे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, आपका आप जो आपको तनख्वाह दे रहा है ना, शॉर्ट में समझ लो, उसकी हम बात कर रहे हैं। कोई भी आपके साथ गलत नहीं कर सकता, कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे वो नस्ल से हो, चाहे वो लिंग से हो, चाहे धर्म से हो, या फिर अन्य किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव है वो नहीं किया जा सकता। विकलांग आदमी अगर कोई है तो उसके साथ है दृष्टि से उसको नहीं दे सकते, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का भेदभाव की तो उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नियम सख्ती से मार्च 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, आगे बात कर लेते हैं 3 साल का अग्रीमेंट। जी हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है भाई अगर बात करें वीए में, तो करोड़ के लगभग, जहां तक मैं मानता हूं 1 करोड़ के लगभग लोग रहते हैं विदेशों के, जो वीए में जॉब करते हैं। जी हाँ, और कहीं ना कहीं कंपनियां, उनके मालिक उनके साथ गलत कर ही लेते हैं। अग्रीमेंट, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, अग्रीमेंट 3 साल का होता है उसको बढ़ा देते हैं बिना पूछे, फिर बोलते हैं आपका 5 साल का अग्रीमेंट है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वर्कर के साथ में। कंपनी या आपका नियुक्ता, जो भी आपका वीज़ा रिस्पॉन्सर है, उसकी हम बात करें तो ये बिल्कुल नहीं किया जा सकेगा। 3 साल से ज़्यादा अग्रीमेंट मान्य नहीं होगा, 3 साल लास्ट अग्रीमेंट है, उसके बाद में अगर कंपनी और वर्कर के बीच में सहमति होती है तो वो अग्रीमेंट बढ़ाया जा सकेगा, वरना वो वहीं खत्म कर दिया जाएगा। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात जो मैंने आज से 10 दिन पहले वीडियो बनाया था, ओवर टाइम। जी हाँ, कोई भी कंपनी का वर्कर कहीं पर भी ओवर टाइम कर सकेगा, ये मार्च 2022 में स्टार्ट हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत ये होती है कि ओवर टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर खर्चा कैसे निकलेगा, क्योंकि ड्यूटी 8 घंटे की होती है, ख़त्म हो जाती है, बंदे फ्री होते हैं। तो भाई आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, कहीं पर भी आप ओवर टाइम कर सकते हैं। हालांकि देखिए, ये नियम 2018 में जो डिग्री कानून था उसमें संशोधन करके बनाया गया नियम है, लेकिन ये पूरी तरीके से लागू नहीं है, लेकिन इसको प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा फरवरी 2022 से। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है।
उम्मीद करता हूँ तीनों जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इसी तरीके वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो कर लें ताकि जैसे ही वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।